नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। LIC बनी देश की पांचवी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी। LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,70,000 करोड़ रुपए। कीर्ति चिदंबरम के 60 ठिकानों पर CBI की छापेमारी। चिदंबरम ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैं इसकी गिनती ही भूल गया कि कितनी बार यह छापेमारी हुई है, अवश्य इसका रिकॉर्ड बनेगा। और स्मृति ईरानी पर हुए हमले के विरोध में अब देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया। पुलिस विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। खबरें विस्तार से और अब एक बड़ी खबर। LIC देश की पांचवी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,70,000 करोड़ रुपए के करीब है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC के IPO की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो गई। लिस्टिंग से निवेशकों को निराशा हुई है क्योंकि LIC IPO अपने इशू प्राइस से नीचे लिस्ट हुआ है। बावजूद इसके LIC देश की पांचवी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी गई है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,70,000 करोड़ रुपए के करीब है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 16,70,000 करोड़ रुपए है। TCS दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 12,35,000 करोड़ रुपए है। 7,21,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ HDFC बैंक देश की तीसरी बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस 6,30,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ चौथी सबसे बड़ी कंपनी है और अब LIC 5,70,000 करोड़ रुपए के साथ लिस्टिंग के बाद पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है। ऐसा कहते हैं कि आपकी परछाई कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती, मगर प्रकृति और भौगोलिक स्थितियों के कारण कुछ देर के लिए ही सही, मगर परछाई भी साथ छोड़ती हुई दिखी। यह दिन था जीरो शैडो डे और इसे महाराष्ट्र में कई जगहों पर अनुभव किया गया। आइए देखते हैं इस घटना के कुछ चित्र। आज आम्हाला शून्य सावली दिवसाबद्दल माहिती जाणण्यास मिळाली। आधी फक्त थोडीशीच माहिती होती, परंतु आज प्रत्यक्षात अनुभवायला मिळाले तो अतिशय उत्कृष्ट अनुभव आम्हाला मिळाला। मी सौस्मिता धर्माधिकारी, श्री गजानन विद्यालय, कल्याण। आज 16 मे 2022 कल्याणकरांसाठीचा असणारा हा विलोभनीय दिवस, कारण अवकाशामध्ये घडणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटनांपैकी एक घटना आज आम्हाला अनुभवता येणार होती, ती म्हणजे शून्य सावली दिवस। शून्य सावली दिवस म्हणजे काय हे आपण वेगवेगळ्या चॅनल्सवरती वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आपल्याला माहिती मिळतच आहे, पण त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणं ही एक वेगळीच पर्वणी आहे। सुभेदार वाडा कट्टा कल्याण यांच्या मार्फत, त्यांच्या मदतीने आज आमच्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना आणि आमच्या पालकही उपस्थित आहेत, त्या पालकांना ह्याचा अनुभव घेता आला आणि प्रत्यक्ष शून्य सावली म्हणजे काय ही पाहायला मिळाली। एक छोटासा प्रयोग विद्यार्थ्यांसमोर केलेला होता आणि त्या प्रयोगातनं ती सावली कशी गायब झाली, बरोबर 12:34 ती सावली कशी गायब झालेली आहे हे आम्हाला अनुभवता आली। कसं करायचं
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर मंगलवार की सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। कीर्ति के घर और ऑफिस समेत कई जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कीर्ति चिदंबरम के खिलाफ 2010 से 14 के बीच कथित लेनदेन और पैसा भेजने पर नया मामला दर्ज किया है। मुंबई, दिल्ली और तमिलनाडु में 7 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। कीर्ति चिदंबरम और उनके सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कीर्ति चिदंबरम ने चाइनीज कंपनी के लोगों को अपने प्रभाव से वीजा दिलवाया था। इस वीजा के बदले 50 लाख रुपए लेने का आरोप है। उस समय उनके पिता केंद्रीय गृह मंत्री थे। साल 2011 का यह मामला है। इधर सीबीआई छापेमारी के बाद कीर्ति चिदंबरम ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इसकी गिनती ही भूल गया कि कितनी बार यह छापेमारी हुई है। अवश्य इसका रिकॉर्ड बनेगा। खबरों के सिलसिले में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बेकोली, SBI व रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाली अंतर्राज्यीय टोली के 3 सदस्य नागपुर ग्रामीण पुलिस के हाथ लगे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में शिल्पा राजीव पालपर्ती, कुंदन कुमार उर्फ राहुल सिंह उर्फ रमेश शर्मा, मोहम्मद दानिश, जिशान आलम उर्फ राशिद अनवर आलम का समावेश है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक विजय मगर और उप विभागीय पुलिस अधिकारी राजेंद्र निकम ने पत्र परिषद में बताया कि सावनेर के खुरजगांव निवासी सतीश प्रकाश आढ़े की 26 जुलाई 2021 की शिकायत के अनुसार आरोपी अमित कोवे, शिल्पा पालपर्ती और रमेश कामोने ने आढ़े की पत्नी को वेकोली या SBI बैंक में नौकरी लगाने का झांसा देकर 11,17,000 लेकर ठगी की है, जिसके बाद केलवत पुलिस ने जांच के बाद 1 जनवरी 2022 को आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जांच के दौरान ही आरोपी सुरेंद्रगढ़ निवासी अमित कोवे ने जनवरी 2022 को धंतोली के पत्रकार भवन के पास जहर पीकर जान दी थी। मृतक के मोबाइल की जांच में कोवे द्वारा नागपुर शहर व ग्रामीण, गोंदिया, भंडारा, अमरावती और वर्धा के अनेक युवाओं से नौकरी के लिए लाखों रुपये लिए जाने का पता चला था।
इसी के साथ ही कोविड द्वारा वर्ष 2019 से पटना के कुंदन कुमार उर्फ राहुल सिंह और मोहम्मद दानिश को 1,30,00,000 रुपए की रकम दिए जाने की जानकारी सामने आई थी। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सावनेर न्यायालय में पेश किया था। केळवद पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल है 9/2022। इसमें जो है कि अभी तक जो आरोपी अटक है उसमें एक पहला कुंदन कुमार उर्फ राहुल सिंह और दूसरा जो आरोपी है वो मोहम्मद दानिश जिनेश आलम, ये पहले मार्च में हमने अरेस्ट किए थे। इसमें तीसरा जो नाम आया शिल्पा पाच प्रति वो पाला प्रति, तो वो जो है उनका इसमें मेन रोल अभी तक आ रहा है। इसमें एक मयत अमित कोहे है जिसको उन्होंने पैसे उनके पास पैसे दिए थे और हमारे विदर्भ में जो बोलते हैं कि नागपुर चंद्रपुर वर्धा नागपुर सिटी इस एरिया में से सभी लोगों जो बच्चे हैं उनसे उन्होंने पैसे लिए थे सर्विस के लिए। उसमें से ज़्यादातर WCL के बच्चे हैं, WCL में सर्विस लगाने के लिए या SBI में सर्विस लगाने के लिए। तो इससे बहुत बड़ा उन्होंने अभी तक रोल उसका अभी तक आया है। उनको सुबह अरेस्ट किया है और 10 दिन का उसमें PCR लिया है। ये रैकेट कैसे काम करता था, कौन मास्टरमाइंड था, कहां कहां के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन से राज्य के लोग थे, एक थोड़ा डिटेल बताइएगा। अभी तक महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोगों का जिसका इसमें ये हुआ है फसवणूक हुई है, महाराष्ट्र के बच्चे की ज़्यादा दिख रही है धोखाधड़ी जिसके हो रही है। और इसमें मेन रोल है शिल्पा पाल प्रति का और इसके साथ जो अमित कोवे था वो तो मैं थोड़ा, तो अभी तक हम इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके जो और कौन है उसको अरेस्ट करेंगे। ये रैकेट कैसे काम करता था, थोड़ा डिटेल में बताइएगा पूरा कैसे काम करता था, कौन कौन से राज्य में फैला था, कैसे लोग आते थे, कैसे इन्वॉल्वमेंट होता था और कैसे पैसे ठगते थे। ये रैकेट ऐसा है कि इसमें जो बच्चे जो उम्मीदवार बोलते हैं हम कि जो कहाँ भी सर्विस के लिए ज़्यादातर उनका अभी बेकारी में जो उसका ऐसा चालू रहता है तो उससे पैसा लेना, ऐसे लोग ये करने का उसके ऊपर जाल बिठाने का और उसको फिर इतने पैसे दो हम सर्विस देते हैं, तो दूसरे को जाके भी उसको मिलाते थे और वहाँ से उनका जो व्यवहार होता था वो पैसे बच्चे पहले से दे देते थे। उसमें से उसको फिर घुमाया फिराया जाता था कि जैसे कि वे दिल्ली गए, औरंगाबाद गए, अभी ऐसी कुछ जगह से उनको दिखाए, WCL में दिखाया, SBI में फिर उनका अपॉइंटमेंट लेटर दिया, ये ऐसे करके उनको सिर्फ घुमा फिरा के पैसे का इसमें हड़प कर रहे थे। आपके चार्ज में कितने रुपए का अभी तक का सामने आया? इसमें 1,30,00,000 रुपये का अभी तक आया। पूरे देश में कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में और इन्होंने ऐसे अभी ऐसा ऐसा इतना रोल देश में नहीं आया, लेकिन महाराष्ट्र में से विदर्भ के प्रांत के जो जिले हैं उसमें आ रहा है और हो सके उसमें और भी स्टेट में ऐसा भी किया होगा। आपने जो आरोपी पकड़ा है वो बिहार का भी आरोपी दिख रहा है? इसमें बिहार के भी आरोपी है, लेकिन ऐसा कोई आया नहीं कि बिहार के लोगों को अभी तक हमारे यहाँ कोई कंप्लेन नहीं आया। स्मृति ईरानी पर हुए हमले के विरोध में अब देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब पुलिस विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। रोज कायदा हातात घेताय आणि बेकायदेशीर कृत्य करतायत। महाराष्ट्रामध्ये सत्ता पक्षाचे कार्यकर्ते असं कृत्य करू लागले तर महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था नाही हे स्पष्ट या ठिकाणी दिसतंय। अशा प्रकारे स्मृती ईराणींवर केलेला हल्ला हा भ्याड आहे। आम्ही देखील त्याला जशास तसं उत्तर देऊ शकतो, पण आम्ही लोकशाहीत विश्वास ठेवणारे आहोत, आम्ही पोलिसांना संधी देतो आहोत, पण पोलिसांनी योग्य कारवाई केली नाही तर आम्हालाही जशास तसं उत्तर द्यावं लागेल हे देखील पोलिसांना चेतवतो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि सुदूर कर्नाटक में भी एक ऐसा ही विवाद उठ खड़ा हुआ है, जिसके बाद अब कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मच गया। दरअसल ये विवाद कर्नाटक में टीपू सुल्तान के शासनकाल में बनाई गई एक मस्जिद को लेकर है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि जिस जगह पर मस्जिद है वहां पर पहले कभी हनुमान मंदिर हुआ करता था। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टन नामक जगह पर एक जामा मस्जिद है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसे टीपू सुल्तान ने बनवाया था, लेकिन अब कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि वहां पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसे टीपू सुल्तान ने तोड़कर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने उस मस्जिद में पूजा करने की मांग की है।
हिंदू संगठन का दावा है कि जो दस्तावेज मौजूद है उनसे साबित होता है कि वहां पर एक हनुमान मंदिर हुआ करता था। दावा तो इस बात का भी किया जा रहा है कि मस्जिद की दीवारों पर हिंदू शिलालेख मिले हैं। वो ये साबित करने के लिए काफी है कि वहां पहले मंदिर हुआ करता था। बता दें कि जब से श्रीरंगपट्टन में स्थित जामा मस्जिद को लेकर वहां मंदिर होने के दावों पर जोर पकड़ा है, तभी से मस्जिद की तरफ से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक कर्नाटक सरकार या किसी बड़े अन्य संगठन द्वारा इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। बीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।